बारिश के मौसम में हमें कुछ ऐसे फलों की आवश्यकता होती है जो हमें गर्मी से राहत दिलाता है। लीची फल के फायदे भी कुछ ऐसे ही है। यह एक ऐसा फल है जो अपने स्वाद और पोषक तत्वों के कारण बहुत ही लोकप्रिय बन चुका है। हम और आप इसे बड़े स्वाद से खाते हैं, लेकिन क्या आपको लीची फ्रूट के फायदे और नुकसान पता है? लीची नियमित उपभोग करने से प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा यह आपके रक्त परिसंचरण, वजन कम करने, कैंसर को रोकने, हड्डियों को मजबूत करने और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। आइए लीची फल से संबंधित अन्य जानकारी को विस्तार से जानते हैं। इस मौसमी फल में मौजूद पोषक तत्वों के कारण यह हमें बहुत से स्वास्थ्य लाभ दिलाता है। यह एक ऐसा फल है जो संतरा और नींबू के समान ही फायदेमंद होता है। स्वास्थ्य लाभों के अलावा भी लीची हमारी त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। लीची के स्वास्थ्य लाभों में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि यौन इच्छा में कमी को दूर करना, खून की कमी दूर करना, हड्डियों को मजबूत करना आदि शामिल है। लीची फल में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो वजन कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वादिष्ट लीची में विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है। विटामिन सी हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लीची में तांबा की उच्च मात्रा होती है जो शरीर में रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देने में मदद करता है। लीची में बहुत से फाइटोमेटिकल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटीनोप्लास्टिक गुण प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब यह है कि वे कोशिकाओं के असामान्य विकास को रोकने में मदद करते हैं। इस तरह से आंखों में आने वाली झिल्ली जो मोतियाबिंद का कारण होती है उसे रोका जा सकता है। लीची में उच्च चीनी सामग्री होती है, इस कारण मधुमेह रोगी को लीची का बहुत ही कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। अधिक मात्रा में इसका सेवन उनकी परेशानी को और बढ़ा सकता है। कुछ लोगों में लीची एलर्जी प्रतिक्रियाओं को बढ़ा सकता है, इसलिए यदि किसी को इस प्रकार के फलों से एलर्जी है तो वो इनका सेवन न करे या डॉक्टर की सलाह के बाद ही इनका उपयोग करे। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लीची का सेवन करने से बचना चाहिए या उन्हें और उनके बच्चों को संक्रमित कर सकता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।